अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट आलू के पराठे, जिसमें जिसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें आटा भी गूंदना नहीं पड़ेगा आपको, इतनी जल्दी बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लें। मैंने 4 टेबल स्पून फ्लोर लिया, उसके बाद जी 1 टीस्पून सॉल्ट लेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हमने चिली रेड चिली पाउडर लेना है, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर क्रश्ड, 1 टीस्पून ड्राई कोरिएंडर क्रश्ड और 1/2 टीस्पून होल स्पाइस पाउडर मतलब गरम मसाला और 4 टेबल स्पून फ्रेश कोरिएंडर लिया मैंने। तो अब मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए, उनको बॉयल किया। जब वो बॉयल हो गए तो उनका छिलका उतारा और उनको ग्रेट कर लिया अच्छी तरह। जब ग्रेट कर लिया है उसके बाद हम इन सब इसके अंदर सारे अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जो मसाले थे हमारे हम वो ऐड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब मैं ग्लव्स पहनूंगी और इनको अच्छी तरह मिक्स करूंगी कि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसके अंदर फ्लोर ऐड करेंगे, ठीक है। वो फ्लोर मैंने 4 टेबल स्पून लिया है और इसको आपने क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर देना है। अगर आपको लगे कि कम है तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें, क्योंकि ये बाइंडिंग के लिए होता है, तो बाइंडिंग के लिए हमने उस हिसाब से ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह। ज़्यादा भी इसको मिक्स नहीं करना कि हाथों की गर्मी से वो नरम पड़ जाए। आटे को थोड़ा सख्त सख्त रहने देना ताकि पराठे अच्छे बने। तो हमारा आटा जो है बन चुका है। अब मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। जिस साइज़ का आपको पराठा पसंद है उस साइज़ का आप पेड़ा बना लें। पेड़े सारे मेरे रेडी हैं। अब मैं थोड़ा सा फ्लोर स्प्रिंकल करूँगी, क्योंकि वो स्टिकी होते हैं, तो थोड़ा सा मैं अपने हाथ पे ले रही हूँ फ्लोर और थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया स्प्रिंकल, ताकि जब मैं इसको बेलूँ तो ये ज़्यादा चिपके ना, क्योंकि स्टिकी होते हैं। अब सबसे पहले इसको जो है मैंने फ्लैट किया अपने हाथ से। बेलने से पहले इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और हम साइड्स पे साइड से राउंड करते जाएंगे हाथों से, और ये जब हो जाए तो हम इसको उसके बाद बेलेंगे। तो यहाँ ये फ्लैट हो गया, अब मैं इसको बेल रही हूँ। जैसे को रोटी को बेलते हैं वैसे ही आपने बेलना है, लेकिन ज़रा इसको ध्यान से बेलना है, क्योंकि ये सॉफ्ट बहुत है तो ये टूट सकते हैं, इसलिए अपने सॉफ्ट हाथों से इसको आराम आराम से बेलना है और साइड गोल राउंड करते जाना। तो मैंने अपने पैन को लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके ऊपर अपना पराठा डालूंगी। ध्यान से डाल लें कि टूटे ना। मैंने इस पर 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और अब मैंने इस पर पराठा रख दिया। तो थोड़ी देर बाद जब हमें लगे तो हम इसकी साइड चेंज करके देखेंगे कि नीचे से पक गया है। जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो हम इसके ऊपर भी 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और उसको ब्रश करेंगे। अब मैं इसको ब्रश कर रही हूँ अच्छी तरह। इसको ब्रश कर लेना है हमने। अब देखिए पराठे जो है मज़े के रेडी हैं। मेरा एक पराठा रेडी है और मैंने इसको डिश आउट कर लिया। इसी तरह मैं बाकी सारे भी पराठे आपके सामने बनाऊंगी। तो एंजॉय करें मेरी वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक करना और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी है, और ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि इतने मज़े के हैं कि आपका खुद ही दिल करने लग जाएगा खाने का।
क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं और इतने मज़े के होते हैं और कोई भी मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही हमें आटा गूंदना। दूसरी तरफ मैंने चाय रख दी थी क्योंकि पराठों के साथ चाय हो तो मज़ा तो और ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पराठे जो रेडी थे, अब मैं अपनी चाय निकाल रही हूँ और फिर मैं इसको चाय के साथ सर्व करूँगी। साथ में मैंने लिया दही और चटनी। आपको मैं बता नहीं सकती कितना मज़ा आया मुझे खाने का, बहुत ही मज़े के थे। मैं आपको कह रही हूँ कि आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मैं ये ट्राई करके दिखाऊंगी और जब मैं इसको तोड़ूंगी तो आपको खुद फील होगा कि ये कितने सॉफ्ट हैं। आप ट्राई करके मुझे पिक्चर मेरे इंस्टा पे भी शेयर कर सकते हैं, मैं अपनी स्टोरी पे शेयर करूंगी। और ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।